ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने देखा था मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आइदर साइड में, वो खुला ही गैप अप, उसके बाद आपका मार्केट एक रेंज में रह गया। अभी मैंने इसमें शीट में कुछ नई चीज़ें अपडेट करी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये है एडवांस डिक्लाइन इधर, ठीक है, और ये है निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन। बेसिकली इससे आपको पता क्या चलता है कि मार्केट की ब्रेथ कैसी है, मतलब ओवरऑल मार्केट में 50 स्टॉक है निफ्टी में, तो किस तरीके से 49 आपके तेज हैं एक वीक है, ठीक है। यहीं पे एडवांस डिक्लाइन मैंने ऐड कर दिया, इसलिए कर दिया ताकि ओवरऑल आपको मार्केट में क्या चल रहा है पता चलता रहे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जैसे अब मैं थोड़ा सा इसमें अपडेट करना शुरू कर दिया है, जैसे जैसे आपको मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज़ हो रही है, वैसा करके, ठीक है। अभी देखते हैं आज क्या हुआ है, कल क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। कल थोड़ा सा मार्केट में इंटरेस्टिंग डेटा बना है। सबसे पहले निफ्टी का अगर हम बात करते हैं, निफ्टी ऊपर हुई गैप अप, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, नीचे आने के बाद फिर मार्केट आपका एक रेंज में ही फंस गया। अब मज़ा कब आएगा, अगर कल ट्रेंडिंग कैसे हो सकती है। देखो, अगर मार्केट तीन केस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और खुलती है आपकी 18,620 के नीचे, यहाँ वाली आप हम लोग फिर अपना कॉल शॉर्ट्स करना शुरू करेंगे एक नेगेटिव कैंडल पे। मतलब ऐसा नहीं कि खुलते ही मार्केट ऊपर आ जाए वापस से, वैसा करके नहीं, पहले एक कैंडल नेगेटिव बनने देंगे 5 मिनट की, तब उसके बाद ये कॉल्स आपका फिर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बननी शुरू हो जाएंगी सारी, ठीक है। एक चीज़, बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन के केस में दोनों ही केस में रुकेंगे, बिकॉज फिर मार्केट किधर की तरफ जाएगा वो देखने वाली बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल जिधर की साइड भी मार्केट खुलेगा उधर की तरफ ट्रेंडिंग हो सकता है। मतलब अगर यहाँ से इसके ऊपर खुला मार्केट तो आपका ऊपर की साइड ट्रेंडिंग हो जाएगा, और इसके नीचे खुला तो मार्केट इसके नीचे ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं कि हम लोगों को बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है। दिस इज योर ट्रेंड लाइन, आप भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं करती और आपका लेवल ये आ रहा है जो निकल के 18,680 क्रॉस करेगा, 690 क्रॉस करेगा, हम लोग बाइंग की साइड पर जाएंगे। आपको एक इस तरीके से देख रहे हो, फिर डब्ल्यू भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे बाइंग की साइड जा सकते हो। सेलिंग साइड हम लोग 18,600 के नीचे, आपको अगर ट्रेंडिंग एक्सपायरी की तरफ होगा तो 600 के नीचे जाएंगे। अभी देखेंगे कि पुट राइटर्स बैठे हैं, वो दिखाऊंगा मैं आपको ऑप्शन चेन में चल के, ठीक है। ये अपना बाइंग सेलिंग हो गया। वन डे का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। वन डे में आपकी एक डोजी फॉर्मेशन है, जो हम लोगों ने कल कहा था यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और इसी की रेंज में आ गया, दिख रहा है। डोजी फॉर्मेशन तब बनता है जब मार्केट को खुद नहीं पता होता मार्केट को किधर जाना है, मतलब ऊपर भी है नीचे भी है, क्लोज आपका मिडिल में आके दे दिया, जिधर की तरफ भी आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा उधर की तरफ ट्रेड मिल जाएगा। क्यों, नीचे आया ऊपर जाने का, समझ रहे हो। अगर नीचे आया तो भी आपको नीचे ट्रेड मिल सकता है, ऊपर गया तो ऊपर की तरफ भी ट्रेड मिल सकता है। अभी चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे और देखते हैं कि कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर पॉइंट कहाँ से निकल के आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉल्स कहाँ एंड हुई हैं, 19 लाख, 12 लाख और ये सब हैं, 1 करोड़ टोटल बैठी हैं, यानी 18,700 इमीडिएट बेसिस पे आपका रजिस्टर का काम करेगा। तो क्या 18,700 के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, वो भी देखेंगे अभी। पहले इधर आपका 650 और आपका 600, यानी यहीं पर पुट राइटिंग, उसके अलावा पुट राइटर्स आपके भागे हैं, करेक्ट, ऐड नहीं हुए फ्रेश। तो 18,600 एंड 700, ठीक है, ये आपकी एक रेंज आ गई। अब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कहाँ होगी वो सुनना। इसका प्रीमियम कितना चल रहा है आपका, तकरीबन 40 रुपीज़ का। तो इसमें मैं अगर आपका 18,740 रुपीज़ को ऐड कर दूँ, ठीक है, और इधर 600 का प्रीमियम कितना चल रहा है आपका, 30 रुपीज़ का, यानी 580, ठीक है। इसके नीचे और इसके नीचे ट्रेंडिंग की तरफ हम लोग को प्लान करेंगे कि मार्केट ट्रेंडिंग में आ जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, 600 के आसपास कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो बाय करेंगे, 720 के आसपास कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले तो सेल करेंगे, ठीक है। याद रखना, बाय रेड कैंडल पे नहीं करना है, सेल आपको ग्रीन कैंडल पे नहीं करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी एक बार डेटा देख लेते हैं, उसके बाद उसमें भी क्लियरिटी आ जाएगी। ये सारी आपकी शॉर्ट कवरिंग की कॉल्स जितनी थी वो शॉर्ट कवर हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 44,000, इसमें तो क्लियरली 44,000 का ही लेवल दिख रहा होगा, 7 लाख, 40 लाख इधर बैठे हैं और आपका 35 लाख, यानी 44,000, 44,161 और 133, तकरीबन बैठ रहा है आपका 300 पॉइंट्स। यानी अगर शॉर्ट कवरिंग इसमें ट्रिगर करेंगे तो कहाँ होगी, नीचे 43,000, 700-800 के नीचे, और इधर 43,000, 44,300, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, कल अगर स्टार्टिंग में ही जाना शुरू कर रही है ऊपर, तो ये प्रीमियम हमारे है ना, ये स्टार्टिंग,
अगर 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के आसपास के बाद आपका मार्केट मूव करना चालू करता है, तब शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर होता है, नहीं तो मॉर्निंग में ही आपका फिर मूव दिख जाएगा, जिस केस में आपका जैसे ही प्रीमियम 161 है, ठीक है, अगर मार्केट 44,161 क्रॉस करनी चालू हो जाएगी तो 300 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, 161 के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग आना चालू हो जाएगी, बिकॉज सुबह के टाइम में अभी भी टाइम बचा है, इसके अंदर टाइम वैल्यू है अभी भी। अगर यही चीज आपकी 2-2:30 बजे के बाद आती तो आपकी इस लेवल के ऊपर आना होता। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या कह रहा हूँ। इसका प्रीमियम 161 है, ठीक है, अगर मॉर्निंग के आवर्स में ये 44,150 क्रॉस करना चालू करती है तो ये शॉर्ट कवरिंग के लिए अभी इमीडिएट कैंडिडेट बन जाएगा, बिकॉज लास्ट में प्रीमियम अभी बढ़ सकता है, मतलब 4 घंटे 5 घंटे मार्केट को बचे हैं अभी ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ वाले लोग डरना चालू हो जाएंगे। वेयर एज अगर ये बिल्कुल लास्ट में 2:30 बजे 3 बजे के आसपास आएगा तो फिर आपको 44,300 वाले के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाले जो पोट्राइटर्स बैठे हैं, इन लोगों ने करेक्ट किया हुआ है ना प्रीमियम, तो ठीक है। बेसिकली हमें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सिंपल ये चीज़ है, जब भी ये कॉल राइटर्स डरना चालू हो जाए, इनकी बैंड बजना चालू हो जाए, तब समझ लेना शॉर्ट कवरिंग की तरफ ऊपर की तरफ मूव आएगा, और जब भी नीचे की तरफ आपके जो प्रीमियम वाले हैं पुट राइटर्स वाले, जब ये वाले डरने चालू हो जाएंगे तब समझ लो कि नीचे की तरफ मूव आएगा। सिंपल। अब चलते हैं इसके चार्ट पे और देखते हैं फिर आपका गैप अप गैप डाउन का क्या केस हो सकता है। सबसे पहले वन डे का चार्ट है, ठीक है, वन डे के चार्ट में आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी आपकी डोजी बनाई है, मूव था ही नहीं, ऑप्शन बायर का दिन ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज़, ऊपर का हाई मार्क कर लो, नीचे का लो मार्क कर लो, कल अगर एक्सपायरी नहीं होती, ठीक है, और मार्केट समवेयर अराउंड इसी रेंज में होता, उसके बाद नीचे की तरफ भी फॉल आता फ्राइडे के दिन, या फिर ऊपर की तरफ भी आता, बड़ा मूव मिलने को मिलता अगर कल एक्सपायरी नहीं होती। कल अगर एक्सपायरी नहीं होती तो फिर मैं आपसे कहता कि यहाँ की कॉल पुट अपना बेच के, अपना बैठ के आप स्ट्रेंगल बना के कर सकते हो, पैसा खा सकते हो, क्योंकि जनरली एक पॉज मिलता है। अभी मैं अगर बात करता हूँ इसकी, तो सिंपल ऊपर के टॉप पे एक डोजी बनी है, ठीक है, मैं आपको कैंडल स्टिक्स पर अभी आज कल मैं वीडियो डाल दूंगा उसमें, तो उसमें आपको सिखाऊंगी कैंडल, सिंगल कैंडल के बेसिस पर ट्रेड कैसे होता है, ठीक है, वो भी चीज सिखा दूंगा। अभी फिलहाल सिंपल कौन सा नीचे का लेवल मार्क करते हैं, पहले क्या आ रहा है, 44,000 और 44,158, ठीक है, इतना गैप अप और गैप डाउन निफ्टी के दोनों ही केस में हम लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, ठीक है, वो स्ट्रेटेजी कल काम कर सकती है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं इसके बैंक निफ्टी के, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, कोई कोई खास एक्शन नहीं दिख रहा है। क्यों? मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया एंड आपको नीचे आ गया, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो कोई खास सिग्नल नहीं मिल रहा है। मतलब आप खुद देखो ना, प्राइस पे एक एक्शन मिलता है, जैसे एक्शन क्या मिलता है आपका, यहाँ के लेवल के ऊपर मार्केट जाना शुरू करेगा तो बाइंग किस तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से मार्केट आपका सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट में ऐसा कोई आपका क्लियर कट सिग्नल नहीं है कि इधर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक चीज हमको क्लियर दिखने में मिल रही है कि मार्केट बार बार इस पॉइंट को सपोर्ट ले रहा है 44,000 के आसपास, ठीक है। 44,000 के नीचे जैसे ही मार्केट जाना शुरू करेगा तो अपने को शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल जाएगा, और 44,150 के ऊपर जाना शुरू करेगा तो अपने को बाइंग साइड का ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मार्केट रेंज से बाहर आएगी, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही होगा कि रेंज में रहेगी कल भी, लेकिन कल मुझे लगता है कि रेंज से बाहर आएगी और फिर मार्केट में थोड़ा सा ट्रेंडिंग की तरफ भी मूव मिल सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।